ये तौबा तौबा अभी तक आया क्यों नहीं है? शातिर परी जाकर पता लगाओ कि उसने काम पूरा किया या नहीं। जी माँ अविनाश। है नहीं कोई आवश्यकता शातिर परी, क्योंकि हूँ आ गया मैं। महाविनाशनी, अकेले क्यों आए हो तौबा तौबा? बालवीर कहाँ है? वेश छिड़का या नहीं तुमने? अरे अब बताओ क्या मैं आपको महाविनाशनी, क्यों मैंने बहुत कोशिश, था बालवीर मेरे सामने ऐसा खड़ा जैसे हो आप मेरे सामने खड़ी, और फिर क्या गया मैं उसके ऊपर ये जोखिम विष छिड़कने, और हो गया वहां से बालवीर गायब, और हो गया सारे खेल का सत्यानाश। अरे अरे रुकिए 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 तो सही, सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात। कर नहीं पाया जो मैं आज कर पाऊंगा वो मैं कल बड़ी आसानी से, क्योंकि है जाने वाला डूबा डूबा एक बगी चाचा का रूप लेकर खेलने बच्चों के साथ, लेकिन डूबा डूबा एक वहां पहुंचे उससे पहले कर दूंगा मैं उसे बेहोश, और फिर खुद बनकर बगी चाचा खेलने जाऊंगा बच्चों के साथ। मैंने मेहनत से इतना जहरीला खेल रचा और तुम्हें बच्चों के साथ खेलना है, तुम्हें मैं अरे नहीं 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 नहीं, अरे रुकिए तो सही, हो नहीं समझती पूरी बात और करती रहती हो वार, अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी मेरी बात। अरे है खेलने से मेरा मतलब कि खेलते खेलते छिड़क दूंगा मैं ये जोखिम विष बालवीर पर, हाँ क्योंकि होगा बालवीर भी वहां पर और होगा नहीं किसी को संदेह मुझ पर। ये योजना तो सही बताई तुमने, पर याद रहे इस बार अगर कोई गलती की तुमने तौबा तौबा। ना 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 बिल्कुल नहीं है। ये रुमाल लेकर तुम डूबा डूबा एक के पास जाओ, उसके पास जाते ही डूबा डूबा एक बेहोश हो जाएगा, फिर तुम उसकी जगह लेकर बालवीर पे ये विष छिड़क देना। अब देखना महाविनाशनी वो कैसे मसलता मैं उस बालवीर को। बालवीर मेरा शिकार है, वो सीधा मेरे पास आएगा, अगर एक भी खरोच आई उसे तो देख लेना। शातिर परी, विषमृत पहाड़ नष्ट हुआ या नहीं? आधे से ज्यादा समुद्र में डूब गया महाविनाश। बहुत अच्छी बात है, अब बालवीर को इस विष से कोई नहीं बचा सकता। पहाड़ तो तेजी से समुद्र में डूब रहा है, हम क्या करें? हम तो यहाँ से हिल भी नहीं सकते। अब रानी परी तक ये संदेश कौन पहुँचाएगा कि जोखिम विष का अमृत प्राप्त करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। बच्चों, सलोनी, नील, बच्चों सब लोग बाहर आओ, बाहर। एक अनाउंसमेंट है भाई। आज मैं तुम लोगों को ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ, ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ जिसे सुन के तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे। वाह मोटा भाई, क्या सरप्राइज है? बताइए ना। सरप्राइज ये है कि आज हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया घूमने जा रहे हैं। लो बोलो, सुबह से सरप्राइज सरप्राइज की माला तो ऐसे जप रहा है जैसे हम सबको स्विट्जरलैंड लेके जाने वाले। क्या जीजा जी, आप भी हमेशा महेश के उत्साह पे वो डाल देते हो। वो क्या? अरे वो जिससे हम नहाते हैं। शावर? अरे नहीं, शावर में से जो निकलता है वो पानी। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? अरे मानो मेहर, चिंता मत करो,
मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए घर में गेटवे ऑफ इंडिया बना दूंगा। बल्लू तो घर में गेटवे ऑफ इंडिया बनाएगा? तेरा दिमाग तो ठीक है ना बल्लू लल्लू? अरे मेरा मतलब है मैं नहीं, लेकिन बगी चाचा तो घर में गेटवे ऑफ इंडिया बना सकते हैं। बगी चाचा? हाँ। अरे मानो मेहर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, सच में बगी चाचा होते हैं। अरे बालवी ने मुझे खुद बताया था कि वो रॉकी चाचू के सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और हाँ आज नील सलोनी उनके साथ खेलने भी वाले थे, लेकिन वो दोनों तो गेटवे ऑफ इंडिया चले गए, इसलिए अब हम तीनों बगी चाचा के साथ खेलेंगे। बल्लू लल्लू तू ना सुबह सुबह फेंक मत, बगी चाचा होते ही नहीं है, आई डोंट बिलीव दिस। ठीक है मेरी बात मत मानो, लेकिन जब बगी चाचा आएंगे तब तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना, तब तो विश्वास होगा ना। लेकिन वो है कौन और वो रॉकी चाचू के सबसे बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गए? हाँ वो भी रॉकी चाचू से ही पूछ लेना जब वो आएंगे बाहर से। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे कब आने वाले तेरे बगी चाचा? बगी चाचा आते ही होंगे। वाह पहले हम लोग बगी चाचा के साथ खेलेंगे, उसके बाद मासी का बनाया हुआ नूडल्स और जेली खाएंगे। हाँ। मैं यहाँ हूँ बच्चों। बगी चाचा, बल्लू कह रहा था कि आपने रॉकी चाचा को रोलर कोस्टर राइड पे बिठा, हमें बिठा लो राइड पे प्लीज प्लीज। नहीं नहीं बच्चों, पहले हम पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। बगी चाचा पकड़ा पकड़ी तो हम डेली खेलते हैं, बल्लू लल्लू कह रहा था कि आप रॉकी चाचा को मैजिकल गेम्स खिलाते हैं, हमें वो खेलना है। हाँ। मैंने कहा ना बच्चों, पहले हम पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, ठीक है? ये डुबा डुबा एक मुझसे आंखें चुरा कर क्यों बात कर रहा है? उसका बर्ताव आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। चलो 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 चलो, तुम सब भागो, मैं तुम सबको पकड़ता हूँ, ठीक है? बगी चाचा, आप ये कौन सा खेल खेलने की बात कर रहे हो? आप तो सबसे पहले बच्चों को छोटा करते हो ना, फिर उनके साथ खेलते हो, तो फिर करूंगा, अगर अब मैं ज्यादा देर तो पहुंच जाऊंगा, फिर छोड़ेगा नहीं बालवीर मुझे। बल्लू वो मैं भूल गया था, मैं अभी बच्चों को छोटा करता हूँ, ठीक है? बच्चों आ जाओ पास में, आ जाओ, मैं अभी तुम्हें छोटा कर देता हूँ। ये बगी चाचा नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मानो मैं For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.